हेलो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग की सीरीज में हम लोग पैटर्न्स डिस्कस कर रहे हैं। और मान लीजिए कि आज हमें ये वाला पैटर्न प्रिंट करना है। इस पैटर्न में आपको दिख रहा होगा कि हमें ट्रायंगुलर शेप में स्टार्स की प्रिंटिंग करनी है, लेकिन जो प्रिंटिंग करनी है उसमें जो बेस लाइन है उससे कुछ बेस लाइन से पहले कुछ स्पेसेस हैं, देन उसके बाद हमारा स्टार प्रिंट हो रहा है। तो अगर हम फर्स्ट रो की बात करें, फर्स्ट रो में 1 2 3 4 स्पेसेस हैं एंड देन एक स्टार है। अगर हम सेकंड लाइन की बात करें तो सेकंड लाइन में 1 2 3 स्पेसेस हैं एंड देन 2 स्टार हैं। देन जो थर्ड लाइन है वो हमारी, उसमें 1 2 स्पेसेस हैं और 3 स्टार हैं। और जो फोर्थ लाइन है उसमें 1 स्पेस है और उसमें 4 स्टार्स हैं। इस तरह का जो भी पैटर्न होता है जिसमें स्पेस और स्टार दोनों चीज़ें हैं, तो इसमें हम मान सकते हैं कि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। एक है स्पेस की प्रिंटिंग और एक है स्टार की प्रिंटिंग। ऑब्जर्वेशन हमारा ये है कि पहली रो में 1 स्टार है, दूसरी रो में 2 स्टार है, तीसरी रो में 3 स्टार्स है। तो ये प्रिंटिंग बिल्कुल वैसी ही जैसे हमने लास्ट वाले लेक्चर में किया था, लेकिन इसमें जो इन एडिशन है वो ये है कि यहाँ पे स्पेसेस भी। तो हमें क्या करना होगा कि पहले स्पेसेस प्रिंट करने होंगे, देन स्टार प्रिंट करना होगा। पहले स्पेसेस एंड देन स्टार। तो आइए सबसे पहले हम इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक नंबर ऑफ रोज के लिए एक बना लेते हैं। सो हमने यहाँ पे i+1, i<n>, यहाँ पे हमें n यूजर से इनपुट कराना होगा। आइए सबसे पहले हम यूजर से n करा लेते हैं। तो ये जो रो नंबर हमें बता रहा है, वो हमें ये बता रहा है कि कितने रोज प्रिंटिंग है, हर रो के अंदर क्या एक्टिविटी होगी। सबसे पहले स्पेसेस प्रिंट होते हैं। मान लेते हैं कि स्पेसेस को प्रिंट करने के लिए वाला लूप है। हमें जो भी रो नंबर है, जैसे फॉर एग्जाम्पल रो नंबर 1 है तो उसमें 4 स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, रो नंबर 2 में 3 स्टार, घटते हुए क्रम में स्टार्स प्रिंट। तो अगर हम ये कहें कि जो नंबर ऑफ स्पेसेस प्रिंट होने हैं वो जे लेस देन और इक्वल टू एन माइनस आई हो, तो ये गलत नहीं होगा शायद। अगर एन की वैल्यू 5 है तो, और हम फर्स्ट रो की बात कर रहे हैं, तो एन माइनस आई मतलब कि n-1 स्पेसेस इस पे प्रिंट होने चाहिए। तो हमने सबसे पहले स्पेसेस इसमें प्रिंट कर लिया, और स्पेसेस को प्रिंट करने के बाद फिर हम इसमें स्टार्स प्रिंट करेंगे। स्टार्स के प्रिंट करने की एक्टिविटी आपको पता है कि हम कैसे प्रिंट करते हैं। आपको नंबर ऑफ स्टार्स उतने ही प्रिंट करने हैं जो कि रो का नंबर। आपको स्टार के हर बार आपको न्यू लाइन में आना पड़ेगा जब आप स्पेस और स्टार प्रिंट कर देंगे। इसको रन करके देखते हैं। सबसे पहले हम इसमें से पैटर्न्स को हटा देते हैं। अब देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा ही पैटर्न प्रिंट हो रहा है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये 6 लाइन की प्रिंटिंग हो जाए। अभी अचानक से आपको मेरी फेस डार्क दिखने लगा होगा, क्योंकि जहाँ जिस स्टूडियो में मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ वहाँ पे लाइट चली गई है। काइंडली बियर विथ मी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।